हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है जीएसटी एनुअल फाइलिंग, GSTR 9 एंड GSTR 9C। GSTR 9 फॉर्म जो है वो एक डॉक्यूमेंट या एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर बिजनेसमैन के पूरे साल के बिजनेस का टर्नओवर होता है और ऑडिट की डिटेल्स होती हैं। इसी तरह GSTR 9C फॉर्म होता है जिसके अंतर्गत बिजनेस के पूरे साल का टैक्सेबल टर्नओवर होता है। ये एक एक ऑडिट फॉर्म होता है जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तरह होता है, और जो भी करदाता है उसे अपनी वार्षिक आय रिटर्न का ऑडिट करवाने के लिए यदि वो उत्तरदायी है तो उसे GSTR 9C फॉर्म दाखिल करना ज़रूरी होता है। कोई भी GST पंजीकृत व्यक्ति है जिसका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ या उससे अधिक है, उसे GSTR 9 हर साल भरना बहुत ज़रूरी होता है। जिसका जो भी बिजनेसमैन डिस्ट्रीब्यूटर है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उसे GSTR 9 फाइल करना ज़रूरी नहीं होता है। इसी तरह कोई भी जो GST पंजीकृत व्यक्ति है जिसे एवरी ईयर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है, उसे GSTR 9C फाइल करना ज़रूरी होता है। और इसमें भी GSTR 9 की तरह ये लिमिट होती है कि उसका हर साल का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। उससे कम टर्नओवर वाले को GSTR 9C फाइल करना ज़रूरी नहीं होता है। जब भी कोई टैक्स पेयर ड्यू डेट निकलने के बाद GSTR 9 अगर फाइल करता है तो उन्हें 200 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी होती है। इस 200 रुपये को भी डिवाइड किया जाता है, जिसमें 100 रुपये CGST में जाते हैं और 100 रुपये SGST में जाते हैं। और जो भी उस टैक्स पेयर का जो सालाना टर्न ओवर होता है उस टर्न ओवर का 0.25% से ज़्यादा टोटल पेनल्टी नहीं ली जा सकती है। उसी तरह जब ड्यू डेट निकलने के बाद GSTR 9C अगर हम फाइल करते हैं तो उसमें भी GSTR 9 की तरह 200 रुपये पर डे के हिसाब से हमें पेनल्टी देनी होती है, और उसमें भी 100 रुपये CGST और 100 रुपये SGST में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट के जो GSTR 9 फाइल कैसे किया जाता है, सो उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले GST के पोर्टल पे जाके हमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद एक पेज ओपन होता है, उसमें सबसे ऊपर एक एक नीली पट्टी होती है जिसमें सर्विस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होता है। फिर हमें एक एक और पट्टी खुलती है जिसमें हमें रिटर्न्स पर क्लिक करना होता है। फिर एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें हमें एनुअल रिटर्न पर जाके क्लिक करना होता है। फिर एनुअल रिटर्न पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ फॉर्म्स के नाम दिए जाते हैं, जिसमें सामने एनुअल रिटर्न GSTR 9 फॉर्म शो होता है, जिसमें 2 ऑप्शन दिए होते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन एंड प्रिपेयर ऑफलाइन। जो GSTR 9 जो फॉर्म है उसे हम ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना चाहिए। जैसे हम प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, और फॉर्म के अंदर हमसे हमारे बिजनेस की सालाना डिटेल्स मांगी जाएगी जिसे हम भर के अपलोड कर सकते हैं, और हम वहाँ से GSTR 9 फाइल कर सकते हैं। इसी तरह GSTR 9C यदि हमें दाखिल करना है तो उसे हम उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज़ करें। उसके लिए सबसे पहले हमें GST के पोर्टल पर जाके ऑफलाइन टूल को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद जब ऑफलाइन टूल डाउनलोड हो जाता है तो GSTR ऑफलाइन यूटिलिटी वर्कशीट खोलना होती है। वर्कशीट पर हम अपने संबंधित डेटा को टेबल में फिल करते हैं। इसके बाद फॉर्म GSTR 9C का ड्राफ्ट वर्जन देखने के लिए प्रीव्यू PDF फाइल जनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद जब हम पूरा अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख लेते हैं कि उसमें हमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं करना है, उसके बाद हम एक JSON फाइल क्रिएट करते हैं। इस सारी प्रोसेस को करने से पहले सबसे पहले इस बात का एक ज़रूरी ध्यान रखना होता है कि जो भी टैक्स पेयर हैं जो 9C दाखिल कर रहे हैं, उनका यदि पिछले साल 5 करोड़ तक अगर उनका टर्नओवर रहा है तो उन्हें 9C सेल्फ सर्टिफिकेशन से दाखिल करना होगा। GSTN क्रिएट करने के बाद हमें फिर से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जब हम एनुअल रिटर्न पर जाएंगे तो वहाँ ऑफलाइन प्रिपेयर में, जहाँ पर हमें JSON का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ से हम JSON को अपलोड करते हैं, JSON अपलोड करने से पहले हमें पूरे अपने फॉर्म की जांच कर लेनी चाहिए कि क्या हमें उसमें कोई चेंजेस तो नहीं करना है। क्योंकि एक बार JSON अपलोड, वैसे तो हम 1 से 2 बार भी JSON अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपलोड करने से पहले हम एक बार अपने फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लें, उसके बाद हम अपना JSON अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हमारा फॉर्म 9C
पोर्टल पर हमें दिखाई देगा। इस तरह से हम GSTR 9 और GSTR 9C को दाखिल कर सकते हैं। जब भी हमें GSTR 9 एंड 9C फाइल करना होता है तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। GSTR 9 को फाइल करने के लिए हमें टोटल इनवर्ड और आउटवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल चाहिए होती है। फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स क्रेडिट लेजर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा GSTIN और ब्लॉक क्रेडिट और कैपिटल गुड्स ETC डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है। इसी तरह हमें जब भी GSTR 9C फाइल करना होता है तब भी हमें कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। उसमें हमें ऑडिट किए हुए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि बैलेंस शीट, फ्लो स्टेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो भी मतलब ऑडिट के लिए जो भी हमारे जो पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका एक सेट बनाकर हमें उसमें अपलोड करना होता है, जो हमें GSTR 9C दाखिल करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा GSTR 9 या GSTR 9C एनुअल फाइलिंग के लिए आप कोई भी जानकारी हमसे चाहते हैं तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।